25,000 रुपए का इनामी अपराधी पुलिस की गिरफ्त में। पुलिस अधीक्षक जनपद सुल्तानपुर के द्वारा चलाए जा रहे अपराध व अपराधियों के रोकथाम व धरपकड़ के तहत अपर पुलिस अधीक्षक व क्षेत्राधिकारी कादीपुर के कुशल निर्देशन में 23 जुलाई को पहाड़पुर रायपट्टी निवासी हरिप्रसाद जायसवाल हत्याकांड में नामजद इनामिया अभियुक्तों को दिनांक 28 जुलाई को मुकदमा अपराध संख्या 152/2020 धारा 147, 148, 149, 302, 504, 506 व 7 CLA एक्ट से संबंधित 25,000 रुपए के इनामिया अभियुक्त राजमंगल सिंह उर्फ मोलू सनफ राम सहाय सिंह व अमित सिंह उर्फ शनि सिंह सनफ हरि सिंह उर्फ नन्हे सिंह निवासी ग्राम बांध गांव थाना सरपतहा जनपद जौनपुर को बरुआ सकरवारी मोड़ से SHO श्री विजय कुमार सिंह व SOG प्रभारी अजय प्रताप सिंह यादव के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा समय करीब 1 बजे गिरफ्तार किया गया तथा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त 3 अंबे सिंह सन ऑफ स्वर्गीय गुरुप्रसाद सिंह निवासीगण ग्राम पहाड़पुर रायपट्टी थाना दोस्तपुर जनपद सुल्तानपुर को छित्तेपट्टी बैंक बाजार के पास समय करीब 3:30 बजे गिरफ्तार किया गया। उक्त लोगों के पास से अवैध असलहा व कारतूस बरामद हुआ है। उपरोक्त अभियुक्तों के खिलाफ अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। लगभग 4 दिन पहले एक घटनाक्रम हुआ था जिसमें एक युवक की गोली मार के हत्या कर दी गई थी दोस्तों थाना क्षेत्र में। उसमें जो नामजद अभियुक्त थे उसमें से 3 लोगों को पकड़ लिया है, जिनके दोनों के पास से तमंचे बरामद हुए हैं। दोनों मुख्य अभियुक्त हैं जिनके द्वारा ये घटना कार्य की गई थी। शेष जो अभियुक्त है उनको शीघ्र पुलिस के द्वारा पकड़ा जाएगा। आपको बता दें कि एग्जाम्पलरी एक्शन पुलिस के द्वारा इसमें लिया जा रहा है, जिसमें तत्काल HS खोली गई है जो अपराधी है उसकी, और साथ ही साथ 25,000 का इनाम घोषित किया गया है। इनमें से एक अपराधी 25,000 का इनामी अपराधी भी है। इसके अतिरिक्त विभिन्न माध्यमों से जो प्रिवेंटिव एक्शन है वो पुलिस के द्वारा लिया जा रहा है, और निश्चित रूप से अपराध और अपराधी के विरुद्ध सख्त और कठोर कार्रवाई सुल्तानपुर पुलिस के द्वारा की जाएगी ताकि लोगों को सबक मिले, अपराध और अपराधी से उनको दूर रखें। जी हाँ, हत्या पिछले दिनों एक विवाद हुआ था, उसी विवाद को लेकर इन लोगों में कसीबी बनी हुई थी। पिछले विवाद में ही पुलिस के द्वारा विधिक कार्रवाई संपन्न करवाई गई थी, FIR दर्ज करके उसमें चार्जशीट लगाई गई थी, 716 की कार्रवाई इन लोगों के ऊपर हुई थी। लेकिन उसके बाद ये घटना कार्य हुई तो पुलिस निश्चित रूप से एग्जाम्पलरी एक्शन इस मामले में लिया। जी हाँ, आपको बता चुका हूँ कि इसमें से एक जो मुख्य अभियुक्त है राजमंगल से बोलू वो 25,000 का इनामी अपराधी है। इसके साथ साथ जो उनके साथी हैं उन पर भी इनाम घोषित किया गया। और 4 दिन बाद ऐसा नहीं है कि अपराधी की बढ़ रही है, पुलिस ने तत्काल देखिए गिरफ्तारी भी करी है। और आपको बता दें इसमें NSO की कार्रवाई भी पुलिस के द्वारा ली जाएगी, HS खोली गई है, साथ ही साथ 14(1) जो संपत्ति जब्तीकरण है उसकी कार्रवाई भी होगी। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि निश्चित रूप से एग्जाम्पल रिएक्शन पुलिस के द्वारा लिया जाएगा। पूरे घटनाक्रम में कितने अभियुक्तों की गिरफ्तारी बची हुई है अभी? अभी जो अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी हो रही है, इसमें 5 लोग नामजद किए गए थे, कुछ अज्ञात बताए गए, तो शेष अभियुक्त हैं उनकी शीघ्र गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा की जाएगी।